अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज से देश भर में 185 भारत विजय रैलियां करेंगे। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से कर दी है। नरेंद्र मोदी आज सुबह माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। सुबह करीब 9 बजे वो सांझी छत पहुंचे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीरें। ऊपर चढ़कर मंदिर की ओर जाते हुए जाहिर तौर पर मां के आशीर्वाद के साथ 185 हर जगह रैलियों की शुरुआत करेंगे। वैसे काफी पहले से ही नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला उनका शुरू हो जाएगा। और चूंकि 10 अप्रैल को ही पहले चरण का चुनाव होना है, उसके ठीक पहले खासकर उन क्षेत्रों में वो पहुंच जाना चाहते हैं जहां पर 10 तारीख को मतदान होने हैं। माना यही जा रहा है कि पहले से और ज्यादा आक्रामक तरीके से नरेंद्र मोदी अब अपनी बातों को रखेंगे, और शायद यही वजह है कि हमने देखा एक तरफ कल अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी और उनकी गुजरात सरकार को घेरा, तो गुजरात सरकार ने जवाब देने में ज्यादा देर नहीं लगाई और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि नरेंद्र मोदी कितने ज्यादा उत्साहित। माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद अब वो 185 जगहों पर आज से रैलियों की शुरुआत करेंगे, जो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तैयार की गई है। अजय जांगियाल हमारे संवाददाता जम्मू से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अजय, फिलहाल मोदी कहाँ है? अजय, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी। अजय, नरेंद्र मोदी माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं क्या? अजय बिल्कुल, दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि सुबह ही आज लगभग 8:30 बजे के करीब नरेंद्र मोदी वैष्णो देवी पहुंच गए थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे उधमपुर से सांझीछत पहुंचे और वहां से घोड़े के जरिए वहां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे, और अब वो दर्शन करके वहां से वापिस निकल रहे हैं, जिसके बाद वो हीरानगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दूं कि इस दौरान जो है नरेंद्र मोदी के जो समर्थक थे, जो वैष्णो देवी जाते समय भी उनको रास्ते में जिन लोगों ने उन्हें देखा वहां पे, वो भी कहीं ना कहीं बड़े उत्साहित दिखे। और मां वैष्णो के दर्शन करने के बाद नरेंद्र मोदी जो है अब यहां पे हीरानगर में आएंगे और यहां पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हीरानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू पहुंचकर नरेंद्र मोदी कहते हैं क्या? सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए।